आज हम ओशियन में बनने वाले एक ऐसे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जिसे रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहा जाता है, जो कि पूरे ओशियन के मात्र 1% हिस्से में फैला हुआ है, पर सभी समुद्री जीवों में से 25% जीवों के लिए आवश्यक आवास प्रदान करता है। हम बात कर रहे हैं कोरल रीफ्स की, जिनके ऊपर पूरे विश्व की लगभग 10 लाख समुद्री प्रजातियां निर्भर हैं। और इतना ही नहीं, कोरल रीफ्स कोस्टलाइन पर रहने वाली करीब 200 मिलियन आबादी को स्टॉर्म्स और पावरफुल वेव्स से भी बचाती है। और वैश्विक स्तर पर लगभग 1 अरब लोग अपने भोजन और आजीविका के लिए कोरल रीफ्स पर निर्भर हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा बैरियर रीफ है, उसे विश्व भर के लगभग 100 देशों से टूरिस्ट देखने आते हैं, जिससे यहाँ की कोरल रीफ टूरिज्म लगभग $36 बिलियन हर साल की कमाई करता है। कोरल रीफ्स को मेडिसिन चेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्लांट्स और एनिमल्स इन कोरल रीफ्स में रहते हैं वो कई बीमारियों को ठीक करने में मददगार साबित हुए हैं। साइंटिस्ट को कोरल्स की रिसर्च करके कैंसर से लेकर अर्थराइटिस, अल्जाइमर और हार्ट डिसीज़ की दवाइयों को बनाने में सफलता भी मिली है। हम सभी को ये बात तो पता ही है कि पेड़ और पौधे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, और इसी वजह से अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। पर क्या आपको पता है, लगभग 50-80% ऑक्सीजन का उत्पादन ओशियन से ही होता है, और ये ऑक्सीजन मरीन लाइफ के साथ साथ ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट करती है। तो इस बात से हमें यही समझ में आता है कि अगर एटमॉस्फेयर को हेल्दी रखना है तो हमें ओशियन को हेल्दी रखना ज़रूरी है, और ओशियन को हेल्दी रखने के लिए कोरल्स को हेल्दी रखना ज़रूरी है। आपको जानकर दुख होगा कि दिन प्रतिदिन कोरल रीफ्स में ब्लीचिंग होने की वजह से ये मरती जा रही हैं, और साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि अगर कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग नहीं रुकी तो 2050 तक 90% कोरल्स ब्लीचिंग की वजह से अपना खाना बनाने का मुख्य सोर्स अलगाई को खो देंगी और मर जाएंगी। कोरल्स में ब्लीचिंग का मुख्य कारण है पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओशियन में टेम्परेचर का बढ़ना, ओवर फिशिंग एक्सेट्रा। इस समस्या को देखते हुए विश्व भर की कई ऑर्गेनाइजेशंस कोरल रीफ्स और उसके इकोसिस्टम को संरक्षित करने का काम कर रही हैं।